नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम शामिल किए हैं। और दोस्तों, सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे, ताकि आपको दोस्तों रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और नोट जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, पहले एक बार प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। कैलेंडर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार है, तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी, यानी उस महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे, ये आपको बताना है। देखिए, ज्यादा कुछ करने की दोस्तों जरूरत नहीं है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, 25 को क्या बोल रहा है दोस्तों, बताइए। 25 को ये बोल रहा है क्या है दोस्तों, गुरुवार है, ठीक है। 25 को क्या है, गुरुवार है। तो अब यहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो लास्ट जो सोमवार होगा वो कितने तारीख को पड़ेगा, पहले यह देखिए। 26 को दोस्तों क्या होगा, शुक्रवार। 27 को दोस्तों क्या होगा, शनिवार। 28 को दोस्तों क्या होगा, रविवार। 29 को दोस्तों क्या होगा, सोमवार। 29 को दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 29 को सोमवार होगा, समझिएगा। अब देखिए, लास्ट जो सोमवार होगा 29 को होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिएगा जो अगस्त है वो 31 दिन का होता है, आगे दोस्तों 31 तक कोई सोमवार पड़ने वाला नहीं है, यानी लास्ट जो सोमवार है वो 29 को होगा। अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 29 को लास्ट सोमवार है, 29 में से 7 कम कर लीजिए, 7-7 घटाइए, सप्ताह घटाइए, ठीक है। 29 में से 7 कम करेंगे 22, 22 को भी क्या होगा, एक सोमवार पड़ जाएगा। 22 में से 7 करिए दोस्तों 15, 15 को क्या होगा, सोमवार होगा, ठीक है। 15 में से 7 कम करिए दोस्तों 8 होगा, देखिए 15 में से 7 कम करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 8, 8 को भी क्या होगा, सोमवार। 8 में से 7 कम करिए दोस्तों तो क्या होगा, 1, पहली तारीख को भी क्या पड़ेगा, सोमवार। यानी टोटल उस महीने में सोमवार कितने पड़ेंगे, एक 29 को पड़ रहा है, दूसरा 23 को, तीसरा 15 को, और चौथा यहां पे देखिएगा 8 को, और पहला यहां पे देखिएगा यानी कि पांचवा 1 को। यानी कहने का मतलब है दोस्तों 1, 8, 15, 22 और 29 तारीख को सोमवार पड़ेंगे, यानी टोटल कितने सोमवार, 2, 2, 4, 1, 5, यानी टोटल इस महीने में सोमवार कितने पड़ेंगे दोस्तों, 5 सोमवार पड़ेंगे। तो देखिए 5 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 25 अगस्त बोला है, अगर 1, 2, 3 अगस्त ऐसे कुछ बात करता तो हम पहला देखते, ठीक है। जब ये 20 के ऊपर चला गया तो हम लास्ट वाला सोमवार देख लिए, समझ रहे ना। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं जो इसके करीब आ जाए, ठीक है। लास्ट हो रहा है तो इसलिए हम देख लिए, लास्ट जो था वो 29 को पड़ रहा है, तो उसके बाद पहले 22 को, फिर 15 को, फिर 8 को, फिर 1 को, यानी टोटल 5 सोमवार इस महीने में पड़ेंगे, यही आंसर होगा। आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दें उसके आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, पहले अच्छे से प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, किसी कूट भाषा में ब्यूटी BEAUTY का कूट YVZFGB हो तो चार्म CHARM का कूट होगा, या इसका कूट क्या होगा, ये आपको बताना है, चाम का CHARM को। देखिए अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप पहले दोस्तों क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि ब्यूटी को ये कैसे YVZFGV लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे हम आपको आसान तरीका बस समझा रहे हैं, पहले यहां पे आप ऐसे देखिए, बी को क्या लिखा है दोस्तों, वाई लिखा है, ई को क्या लिखा है, भी लिखा है, यानी बी को वाई कैसे लिखा है, बी का विपरीत अक्षर वाई होता है। कहने का मतलब है ए दोस्तों इधर से पहले पे आता है तो उधर से लास्ट से काउंट करेंगे तो जेड पहले पे आएगा, बी इधर से दूसरे पे आता है तो लास्ट से दोस्तों क्या दूसरे पे आता है, वाई दूसरे पे आता है, यानी ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत क्या होगा दोस्तों, एक्स, समझ रहे ना, इस प्रकार से विपरीत अक्षर होते हैं, ठीक है। ऐसे हम आपको पहले भी वीडियो में बताए, याद करने का तरीका भी बताए, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा।
यह ऐसे लिखा है, बी का विपरीत क्या लिखा है, वाई, ई का विपरीत भी, ए का विपरीत जेड, समझिएगा, यू का विपरीत एफ, और टी का विपरीत जी, और वाई का विपरीत बी, यानी यह क्या लिखा है दोस्तों, विपरीत अक्षर लिखा है। तो अब आप क्या करेंगे, विपरीत अक्षर बताएंगे, ठीक है। सी का दोस्तों विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत होगा एक्स, ठीक है। एच का विपरीत दोस्तों क्या होगा, एच का विपरीत होगा एस, ठीक है। ए का विपरीत बताइए, ए का विपरीत जेड होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आर का विपरीत दोस्तों क्या होगा, आर का विपरीत होगा आई। एम का विपरीत दोस्तों क्या होगा, एम का विपरीत होगा एन, यानी इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, एक्स एस जेड आई एन। तो देखिए एक्स एस जेड आई एन किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। विपरीत अक्षर से भी रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। विपरीत अक्षर आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा, हम आपको याद करने के लिए बोलेंगे तो एक बार और अच्छे तरीके से तरीका भी बता देंगे कैसे याद किया जाता है जल्दी से, ठीक है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा याद अगर आपको नहीं है तो, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक और बता दूं दोस्तों, एसएससी मेकर के द्वारा एक स्पेशल ईबुक लॉन्च की गई है। दोस्तों ये स्पेशल ईबुक आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आप रेलवे एनटीपीसी एग्जाम देंगे, ग्रुप डी देंगे, एसएससी जीडी देंगे, या अगर आप कोई सा भी एग्जाम देंगे दोस्तों, उस एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर ईबुक है। इस ईबुक में दोस्तों 1500 प्लस क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं प्रश्नों को इस ईबुक में शामिल किया गया, जो बार बार आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, 1500 प्लस क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या, साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के 25 सेट, मैथ्स के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल वे में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया है, आपको समझने में कहीं पे भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों हम आपको बता दें, इस ईबुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, कहीं पे भी क्लिक करके आप इस ईबुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ईबुक की कीमत मात्र 49 रुपीज है। अगर आपको डाउनलोड या पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो दोस्तों एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है, 7080108555, आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों ये अब तक की बेस्ट ईबुक है, इसी बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें वेन डायग्राम से लिया गया है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, वेन डायग्राम बनाना है किसका दोस्तों, जानवर, जेब्रा और गेंडा के बीच। तो दोस्तों हम आपको पहले भी बताया है और फिर से बता रहे हैं, देखिए वेन डायग्राम से रिलेटेड कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उन शब्दों पर विचार करेंगे जिनका वेन डायग्राम बनाना है। जैसे ये जानवर क्या होता है अपने दिमाग में सोचिए, ठीक है, जैसे जेब्रा क्या होता है ये भी सोचिए, गेंडा क्या होता है ये भी सोचिए। तो जैसे जानवर के अंतर्गत क्या आएंगे, जेब्रा क्या होता है, जानवर ही होता है, गेंडा क्या होता है, जानवर होता है। जैसे इसी प्रकार से इससे रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन आता है, जानवर, गाय, भैंस, तो गाय भैंस भी क्या होती है, जानवर होती है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हम आपको बता रहे, पहले इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, जानवर, जेब्रा, गेंडा। तो जेब्रा क्या है, जानवर है, गेंडा क्या है, जानवर है, और जेब्रा और गेंडा दोनों क्या है दोस्तों, अलग अलग जानवर है। तो देखिए इसको हम कैसे वेन डायग्राम से प्रदर्शित करेंगे, एक सर्कल बना लिए जानवर का, जेब्रा ये हो गया और गेंडा ये हो गया, यानी कहने का मतलब है दोनों को हम अलग अलग बनाएंगे क्योंकि अलग अलग प्रकार की ये जानवर है। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना, अब देखिए ऐसे किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो आपको ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों जेब्रा की जगह गाय और गेंडा की जगह भैंस भी दे दे तो भी क्या होगा, फिगर यही होगा, क्योंकि गाय और भैंस भी जानवर होती है, ठीक है। ऐसे जानवर में कोई भी दे दे, जानवर लिख देता है और यहां पर दो अलग अलग जानवर का नाम दे देता है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से आंसर होगा। अगर वो जानवर है, जानवर से अगर अलग रहते, पक्षी रहते, तो एक को तो हम जानवर के अंदर रख लेते, कहने का मतलब है प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। यहां पे देखिए जानवर, जेब्रा तो दे दिया, और यहां पे दोस्तों क्या देता, कबूतर बोल देता या तोता बोल देता, तो ये क्या होता, जानवर के अंदर का जेब्रा जो कबूतर या तोता कुछ होता तो ये बाहर होता, यानी इस टाइप से भी इमेज बनता है, ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, आसान तरीका बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड मार्क्स रूल पे सॉल्व होता है, ऐसे प्रश्न हम आपको पहले भी कराए हैं, आप ध्यान दीजिए। पहले क्या करिए, प्रश्न को दोस्तों आप ध्यान से एक बार पहले पढ़िए। देखिए प्रश्न है दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ गुणे, माइनस का अर्थ भाग, गुणे का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ है
माइनस। अब देखिए बोल रहा है अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना करें, यानी कि यहां पे एक समीकरण दिया है दोस्तों 64 माइनस 4 प्लस 8 गुने 9, इसका मान क्या होगा अगर हम इस अनुसार चिन्हों को प्रदर्शित करें, यानी कहने का मतलब है चिन्हों को हम बदल दें। कहने का मतलब ये देखिए बोल रहा है प्लस का अर्थ गुना, तो यहां पर प्लस है तो यहां पर कर देंगे गुना, माइनस का अर्थ बोल रहा है भाग, तो यहां माइनस है तो यहां पर कर देंगे दोस्तों भाग। ठीक है, अब देखिए गुने का अर्थ बोल क्या रहा है दोस्तों माइनस, सॉरी गुने का अर्थ क्या बोल रहे हैं दोस्तों प्लस, तो गुने यहां पर यहां पे कर देंगे प्लस, भाग का अर्थ माइनस बोल रहा है तो भाग नहीं है तो यहां पे अभी आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि दोबारा आप चेंज करें, अब देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो समीकरण बना वो क्या बना दोस्तों 64 भागे 4 गुने 8 माइनस सॉरी प्लस है ये, प्लस आपका क्या है दोस्तों 9। ठीक है, ये आपका समीकरण बना है। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करने, इसको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। बोर्ड मास रूल दोस्तों क्या बोलता है, पहले आप भाग करेंगे फिर गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, ये एक बोलता है बोर्ड मास रूल। तो देखिए पहले भाग करेंगे, जब 64 को 4 से भाग करेंगे 16 चौको 64 16, फिर ये गुने 8 प्लस 9 होगा। अब क्या करेंगे गुना करेंगे, 16 गुने 8 करेंगे तो दोस्तों क्या होता है 16 बटे 128 होता है, फिर प्लस 9। अब जोड़ेंगे 128 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 137 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 137 होगा। देखिए 137 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं समझ में आ रहा है लाइक से जरूर करिए और दोस्तों नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अभी आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि उस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाना स्टार्ट कर दें और आपकी बोलेंगे तो उसके लिए हम क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नीचे कमेंट करके दोस्तों आप लोग जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक बात और बता दूं दोस्तों आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है, जो जीएस का आपकी जो क्लास होती है जीए की क्लास होती है, ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा उसके लिए दोस्तों हम अलग वाले चैनल पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए उस चैनल का नाम है एग्जाम पर, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है कमेंट बॉक्स में भी है सेकंड चैनल के नाम से, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम टॉपर। ठीक है, वहां से दोस्तों आप लोग जीएस की प्रिपरेशन करिए, वहां पे दोस्तों स्टैटिक जीके का डेली क्लास से चल रहा है। ठीक है, और हम आपको बता दें जो जीएस के ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक भी कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो उस चैनल से भी जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में भी है। चलिए आगे देखिएगा पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं, अब बस आपको करना क्या है दोस्तों अच्छे से एक बार प्रश्न को देखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां पे चार विकल्प दिए गए हैं, अब यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यही पे बताना है कि कौन सा विकल्प आएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हम आपको क्या बताए हैं दोस्तों जब कभी भी लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, 4, 5, 6, 3, 4, 2, 5, 3, 3, 23, 19 क्वेश्चन मार्क, तो पहले आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो संख्याएं आपको कहीं बड़ी नजर आ रही हैं तो देखेंगे हाँ 23 यहां पे है, 19 इस लाइन में सबसे बड़ी है, 23 इस लाइन में 19 इस लाइन में। कहने का मतलब है प्रश्न को आप ऐसे सोचेंगे 4, 3, 5 को क्या करें कि 23 हो जाए, 5, 4, 3 को क्या करें कि 19 हो जाए, उसी प्रकार से 6, 2, 3 को हम करके यहां क्वेश्चन मार्क पे संख्या लाएंगे। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, 4, 3, 5 को क्या करेंगे दोस्तों जोड़ेंगे, 4, 3, 7, 5, 12, 23 तो होगा नहीं, लेकिन अगर इसको देखिए आप ऐसे थोड़ा सा सोचे, देखिए अगर जो मैं बोलूं दोस्तों 4 × 5 कर दीजिए तो 4, 5, 6 दोस्तों क्या हो जाएगा 20, और 20 में दोस्तों इस 3 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 23, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए 5, 3, 15, 15 में इस 4 को जोड़ दीजिए, 15, 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 19, देखिए 19 दिया हुआ है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से 6 × 3, 6, 3, 18, 18 में दोस्तों ये 2 जोड़ देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 देखिए किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं समझ में आ रहे हैं लाइक शेयर जरूर करिए और एक बात और बता दूं दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रेलवे के लिए दोस्तों हम आप लोगों की डिमांड पे फ्री में क्रैश कोर्स भी चलाए थे, क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एसएससी मेकर चैनल पे है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है जिसमें 38 वीडियोस है, आप इसे जरूर देख लीजिएगा,
रेलवे मैथ क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, इसमें भी 38 वीडियोस है। आप दोस्तों ये क्रैश कोर्स जरूर कंप्लीट करिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्रैश कोर्स है। और हम आपको बता दें इसमें आपके पूरे सिलेबस के जितने भी चैप्टर मेंशन किया है सिलेबस में, सारे चैप्टर को कवर कराए हैं एकदम बेसिक टू हाई लेवल तक, ठीक है। और सारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं। तो इस क्रैश कोर्स का लाभ आप लोग जरूर उठाइए, लाखों स्टूडेंट उठाए, आप भी जरूर उठाइए, ठीक है। चलिए, और नीचे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दें उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।